रशिया का जो लूना 25 मून मिशन था वो क्रैश कर गया है। अब सबकी नज़रें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए हैं चांद के साउथ पोल में उसकी लैंडिंग के लिए। हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे, हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलाने फलान किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। ठीक हूँ कि इंशाल्लाह वो पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा ये भी एक नेबर कंट्री है इंडिया भी, वो हम तो कहेंगे यार ये पहुंच जाए, क्योंकि हम देखें ना कि इंग्लैंड वाले देख ले या अमेरिका वाले देख रहे हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम भी यार एक सब कॉन्टिनेंट में रहे, हमारा एक हिस्सा है, हमारे भी वो भाई हैं, हम तो बहुत आगे निकल चुका है। कितना आगे? इवन के 10-20 गुना आगे निकल गया है, जितनी वो तरक्की कर चुका है। हाँ। इवन के हम तो अब सोचे भी ना तो सोच के लगता है कि पता नहीं उनको बीट कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में चंद्रयान 3 और लूना 25 को लेकर जो रेस थी अंतरिक्ष में कि चांद के साउथ पोल में पहले कौन उतरेगा, फाइनली वो रेस अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि रूस का लूना 25 क्रैश हो चुका है और अब सिर्फ भारत का चंद्रयान 3 ही बचा है। हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे, हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलाने फलान किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। ऐसी कैंपेन चलाई जाए गवर्नमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी कैंपेन चलाई जाए। और ये बड़ी जबरदस्त बात की है, थोड़ी सी हमें दिल को बुरी लगेगी कि भाई हम सिर्फ दूसरों की खबर के ऊपर अपनी बात कर सकते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, चंद्रयान 3 कर दिया, रशिया ने ये कर दिया। दुख हुआ इस चीज का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं यार, इतनी मेहनत एक बंदे ने की है। लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है, ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि मतलब 2-3 दिन तक जो है वो लैंड कर जाएगा। भाई हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, और वो लोग जो हैं वो अगर आईटी में, अगर वो टेक्नोलॉजी में इतना ऊपर जा रहे हैं तो हमारी यही दुआ है कि वो जाएं और करें ये काम। ये सोच आपकी है, हमारे मिनिस्टर्स की ये सोच क्यों नहीं? वो तो बकायदा तौर पे मीम्स बनाते नजर आते हैं कि भाई ये देखो उन्होंने इतना पैसा लगाया जाया हो गया, इससे अच्छा हम यहाँ पे खड़े होकर देख लेते हैं मून को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, रूस का चंद्रमा मिशन जो उसने भेजा था लूना 25, वो चांद की सतह में क्रैश कर चुका है, जिससे कि उसका मिशन पूरा फेल हो गया है और वो दुनिया भर में उसकी क्रिकरी हुई, चाहे अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन में तो उसके मीम भी बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों लेकिन अब उनका मिशन फेल हो गया है, लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस का कहना है कि एक मानवीय गलती हो सकती है, लेकिन हमारा मानना है कि रशिया का जल्दी में लिया गया ये कदम है जो उसको फेलियर बनाता है। उसने पूरी ढंग से या तो तैयारी नहीं करी या उनके टेक्निकली ढंग से कोई गड़बड़ी थी। दोस्तों अब रशिया का मून मिशन फेल हो गया है, लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी यानी कि रोस्कोस्मोस को यही लगता है कि एक ह्यूमन एरर यानी कि मानव त्रुटि है। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला भी हो सकता है। इधर हमारे इसरो ने अपने पुराने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के एक्सपीरियंस से सीखते हुए चंद्रयान 3 पर इसरो के वैज्ञानिकों ने इतनी अधिक मेहनत की है कि इसमें फेलियर होने की चांस ना के बराबर है। इतना ही नहीं, इसरो ने चंद्रयान के फेलियर को रोकने के लिए अपनी तरफ से प्लान भी बनाए हैं। अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी को लागू कर दिया जाएगा, अगर प्लान बी फेल हो जाता है तो प्लान सी को लागू कर दिया जाएगा, यानी कि ये एक पूरी तरह से फेलियर लेस मिशन है। रूस या किसी भी अन्य देश से हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, नहीं हमारा ऐसा मकसद है, हमारा ध्येय तो सिर्फ विश्व कल्याण और भारत को एक समग्र राष्ट्र बनते देखना है। दोस्तों रशिया स्पेस एजेंसी यानी कि रोस्कोस्मोस ने लगता है बहुत ही जल्दी में इस मिशन को लॉन्च किया गया है, और ये मिशन जितनी जल्दीबाजी में लॉन्च किया गया ये बात तो आप सिर्फ इसी चीज से समझ सकते हैं कि रशिया के लैंडर में कोई भी रोवर है ही नहीं, यानी कि जैसे जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की धरती पर लैंड करेगा उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और वही चंद्रमा की सारी जानकारियां एकत्रित करेगा, और ऐसा कोई भी रोवर रशिया के लैंडर में था ही नहीं। दोस्तों इसका मतलब वो तो सिर्फ इतना चाहते थे कि वो अपने लैंडर को चांद की धरती पर यानी कि चंद्रमा की धरती पर सेफली लैंड करा दें और दुनिया भर में अपना नाम दर्ज करा के इतिहास बना दें, और इसी जल्दीबाजी के चलते शायद कोई गड़बड़ी हो जिसके उनका लूना 25 लैंडर क्रैश कर गया। फिलहाल इस रेस में सिर्फ भारत ही बचा है और दुनिया भर की नजरें इस वक्त सिर्फ चंद्रयान 3 और भारत पर टिकी हैं। दोस्तों ये हमारा विश्वास है कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर सुरक्षित लैंड कर जाएगा। वो क्रैश हो गया,
अब मुझे चंद्रयान 3 जो कि आप 2 दिन बाद वो लैंडिंग करना है, आप क्या कहेंगे इस वाले? सर मैं कहूंगा कि इंशाल्लाह वो पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा ये भी एक नेबर कंट्री इंडिया भी, वो हम तो कहेंगे यार ये पहुंच जाए, क्योंकि हम देखें ना कि इंग्लैंड वाले देख ले या अमेरिका वाले देख रहे हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम भी यार एक सब कॉन्टिनेंट में रहे, हमारा एक ऐसा है, हमारे भी वो भाई हैं, हम तो कहेंगे यार ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर वो पहुंच जाए तो। सर मैंने कुछ लोगों से सवाल किए, लोगों को आज तक वो लोगों को ना टेंशन बढ़ी हुई है, हमने पिछली बार जब इन्होंने चंद्रयान 1-2 भेजा तब हमारे लोगों ने मीम्स बनाए उनका मजाक उड़ाया, सर आप क्या कहेंगे अगर वो अगर कामयाब होता है क्या हमारी आवाम जो हमारी मीडिया फिर मीम बनाएगी, उनको कहेगी ये तो किसी तरीके से होना नहीं था, ये ऐसे हो गया वैसे, काफी बात उन्होंने करनी है, क्या कहेंगे सर कि आप अप्रिशिएट करेंगे, आप एक स्टूडेंट है पाकिस्तान के यूथ, आप क्या कहेंगे सवाल? सर मैं उनको दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि उन्होंने सर मेहनत की हुई है, उन्होंने वक्त किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुश्किल बर्दाश्त की है, वो क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ ये है कि सिर्फ मीम्स बनाते हैं, भाई मीम्स सिर्फ क्यों बना रहे हो, क्योंकि वो अपने अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करो, अगर उन्होंने चाहे वो नाकाम हो गए तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई दोबारा ट्राई करो। मगर नाकाम वो एक दफा भी नहीं हुए, मगर वो वापस लैंडिंग कर कोई इश्यूज की वजह से 1-2 उन्होंने बनाया तो वापसी लैंडिंग हो गया, अब उनका पूरा जो मौकफ ये है कि इसरो का ये मौकफ कि हमने इस दफा लैंडिंग करना 2 दिन के अंदर सक्सेसफुल। शुरू से जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया ठीक है, शुरू से मतलब कि एक वो एक माइंड सेट हो चुका है कि यार ये हमारा जो है ना वो दोस्त मुल्क नहीं बन सकता। लेकिन सर वो तो अब अपने आप को हमारा हरीफ भी नहीं मानते, वो कहते हैं कोई मुकाबला करने के लिए भी कोई बराबरी होनी चाहिए, 350 सैटेलाइट्स उन्होंने बनाई हैं, हमने कितनी बनाई हैं इस टाइम, हमने तो 1-2 के अलावा बनाई नहीं। ऐसे ही वो ज़ाहरी बात है, वो लोग समझदार हैं, वो इतनी तरक्की करने के बावजूद जो है वो साइड पर हो गए हैं कि यार ठीक है यार हमें मतलब कि इनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह नहीं दिया, नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मौत आप मरेगा, ये आपस में ही लड़ लड़के मरेंगे, ऐसे ही है। और सच देख रहे हैं होता नजर आ रहा है आपको, और इवन की हो भी ऐसा ही रहा है। दोस्तों भारत और रूस की इस स्पेस रेस में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।